सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने आनंदेश्वर परमठ मंदिर से करौली आश्रम के लिए पैदल दंडवत यात्रा निकाली। करौली शंकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होने से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन से दुखों का अंत हुआ और उनके जीवन में एक नए ऊर्जावान जीवन की शुरुआत हुई है। करौली शंकर महादेव के ऐसे तमाम भक्त देश विदेश में अपना जीवन खुशी खुशी यापन कर रहे हैं और देश विदेश से ऐसे भक्त पद यात्रा एवं दंडवत यात्रा करके दरबार में करौली शंकर महादेव को धन्यवाद करने एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आती है। उन्हीं में से बड़ी तादाद में ऐसे भक्त जिनके जीवन को करौली शंकर महादेव का सानिध्य एवं उनका प्रेम प्राप्त हुआ, उन भक्तों ने करौली शंकर महादेव को धन्यवाद देने के दरबार के समर्थन के लिए, बलि प्रथा खत्म करने के लिए, नशा मुक्त समाज के लिए आज कानपुर में परमठ स्थित बाबा श्री आनंदेश्वर धाम मंदिर से 600 से अधिक भक्तों ने पैदल दंडवत यात्रा का प्रारंभ आनंदेश्वर बाबा को प्रणाम करके शुरू किया। बता दें कि यह दंडवत यात्रा आज रामादेवी में रात्रि में विश्राम करेगी। बता दें कि पुनः दंडवत यात्रा दिनांक कल सुबह करौली शंकर महादेव आश्रम पर विश्राम करेगी। बता दें कि दंडवत यात्रा में भारत के विभिन्न विभिन्न प्रदेशों और शहरों से बड़ी तादाद में युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, कन्याएं यात्रा में सम्मिलित रहे, जहां सभी भक्त करौली शंकर महादेव के जय जयकारों के साथ दंडवत यात्रा कर रहे थे। भक्तों का कहना था कि बाबा माँ और करौली शंकर महादेव के आशीर्वाद से उनका जीवन धन्य हुआ है। बाबा को धन्यवाद करने के, उनकी कृपा पाने के लिए आज ये दंडवत यात्रा कर रहे हैं। आठिया न्यूज 24 के लिए कैमरामैन सुभाष वर्मा के साथ आशीष चंद्र की रिपोर्ट। आज यात्रा कहां से कहां तक होगी और क्या माध्यम है यात्रा? हमारी यात्रा सुबह आनंदेश्वर मंदिर से और आनंदेश्वर मंदिर से सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई है और ये यात्रा करौली शंकर धाम तक जाएगी। इसका उद्देश्य है हमारे सनातन को बढ़ाना, जो हमारा सनातन कहीं खो गया था उसको हमको जगाना था, मंदिरों में जो बलि प्रथा हो रही है उसको बंद करना है। मंदिरों में बलि प्रथा से जीव हत्या पाप है, ये हमको बताना है। भगवान कभी बलि नहीं चाहते हैं, ये हमको लोगों को जागरूक करना है। ये अपने स्वार्थ के लिए बलि दी जाती है। मेन उद्देश्य हमारी यात्रा का यही है कि बलि प्रथा बंद करना तथा हमारे सनातन को आगे बढ़ाना है, जो हमारा सनातन कहीं खो गया था उस सनातन को हमको आगे बढ़ाना है। हमारी दंडवत यात्रा में बहुत जगह से लोग आए, छत्तीसगढ़ से आए हैं, कन्नौज से आए हैं, नेपाल से आए हैं, मणिपुर से आए हैं, बिहार से आए हैं, गुजरात से आए हैं। 600 लोग हैं। यात्रा कल पहुंचेगी? आज यहाँ से रामा देवी तक जाएगी। रामा देवी में रात्रि विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे, सुबह वहाँ से स्टार्ट होगी, कल शाम को हम करौली शंकर आश्रम पहुँचेंगे। सॉरी सर, कहाँ से कहाँ तक है और क्या इसका तात्पर्य है यात्रा का? आज की जो यात्रा है ये आनंदेश्वर मंदिर परमठ से लेकर करौली शंकर महादेव धाम है परभुआ गांव में, करीब 35 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पर यहाँ तक यात्रा के संबंध ये भक्ति और श्रद्धा की यात्रा है और जैसा कि करौली शंकर महादेव जो धाम है उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास पूरे देश से पद यात्राएं लोग कर रहे हैं, उनको लाभ मिलता है। करौली शंकर महादेव के जो गुरु जी हैं उनके द्वारा लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, उसके एवज में भक्त लोग पूरे देश से पद यात्राएं कर अपनी भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ कानपुर की यात्रा जो है परमठ आनंदेश्वर मंदिर से चली है, दंडवत यात्रा करके आप देख रहे होंगे हजारों भक्त हैं ये यात्रा करके, दंडवत यात्रा कर आज से तीसरे दिन धाम में पहुंचेंगे और गुरु जी के प्रति अपनी आस्था और उत्साह कब तक चलेगी यात्रा समापन? तीसरे दिन आज से 22 तारीख को पहुंचेगी धाम में। और काम समापन होगा इसका? ये आनंदेश्वर मंदिर चलिए, करौली शंकर महादेव जो ये पिपर गुआ में आश्रम है तो वहाँ पर ये दंडवत यात्रा करते हुए दंडवत यात्रा करते हुए वहीं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।